Everyone, it's me Sonali Gupta, and I'm going to pick my team between Hyderabad and Delhi. And although I think it's going to be Delhi Capitals again, just out of my own instinct, but I really do hope Hyderabad gets a win under the belt and keeps the series alive for them. Good morning. My name is Varun Kumar. I'm a former Delhi Ranchi Trophy cricketer and a BCCI match referee. और आज हम बात करेंगे आईपीएल में होने वाले मैच की. सो वेलकम टू गो बियॉन्ड स्पोर्ट्स. और सो जैसा कि आप जानते हैं, आज संडे है, दो मैच खेले जाएंगे और जो आज का सेकंड मैच होगा वो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एसआरएच के बीच सनराइज़र हैदराबाद. और वेन्यू रहेगा चेन्नई का. मज़ेदार वेन्यू है, स्लो बॉलर्स को मदद देता है और दोनों टीमों के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं. SRH के पास राशिद खान जैसा ट्रम्प कार्ड, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास है रविचंद्र अश्विन और अमित मिश्रा, जिन्होंने लास्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी. और अक्षर पटेल भी अब अवेलेबल है, बट देखना होगा कि प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती. पर्सनली मैं चाहता हूँ कि उनको भी साथ के साथ खिलाना चाहिए. तीन स्पिनर खेलेंगे, बहुत ही एग्रेसिव अटैक हो जाएगा, बट डिसीजन तो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन के ऊपर है. और मोर ऑर लेस दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 शायद सेम रखें, बिकॉज दोनों टीमें अपना लास्ट मैच जीते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होने की उम्मीद है मुझे. और वहीं अगर हम देखें किस टीम को हम पिक करें, तो हालांकि ऑन पेपर दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ दिल्ली कैपिटल की बैटिंग भी अच्छी क्लिक कर रही है. एसआरएच की बैटिंग इतनी अभी क्लिक नहीं हुई है. हालांकि केन विलियमसन पिछले मैच में टीम में आ गए थे, बैटिंग उनकी आई नहीं थी, और विलियमसन के आने से टीम बहुत स्ट्रांग होती है, बैटिंग लाइन स्ट्रांग हो जाती है. और साथ के साथ अगर हम बात करें उनकी मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर थोड़ा वीक पॉइंट है एसआरएच का. हालांकि केदार जाधव भी इंक्लूड है, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने मूव किया है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है. तो ओवरऑल देखें तो दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं, बैलेंस्ड है, बट टीम पिक करने की बात आएगी तो मैं तो दिल्ली कैपिटल को ही पिक करूँगा. दिल्ली का लड़का हूँ, बट उसके अलावा भी अगर हम एक क्रिकेट के हिसाब से देखें तो दिल्ली की टीम ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है इस वक्त, ज़्यादा अच्छे रिदम में है और उनका बैलेंस बहुत अच्छा है टीम का, तीनों चीज़ों में, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में वो अब एज़ कम्पेयर टू SRH ज़्यादा बेटर है. बाकी मैच देखेंगे क्या होगा, क्या रिज़ल्ट रहता है, कैसे प्लेयर्स आज अपना जलवा दिखाएंगे आज के मैच में. मज़ा आने वाला है आज के मैच में, ये गारंटेड है. So good luck to both the teams, all the players. Keep watching Go Beyond Sports. Stay safe. ध्यान रखो सब अपना और मज़े लो IPL के मैच का. And have a great Sunday. Take care. Thank you. दूसरे मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स के बीच में होने जा रहा है चेन्नई के स्टेडियम में. अगर इस मैच के बारे में बात की जाए तो ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा ज़रूर भारी दिखाई देता है यहाँ पे, जिनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन अब तक रहा है. दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं, 1 मैच हार चुके हैं, वहीं पे 3 मैच जीत के 6 पॉइंट लिए हैं इस पॉइंट टेबल में, और उसी के बदौलत इस पॉइंट टेबल में वो तीसरे पायदान पे हैं. अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो उनके ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और शिखर धवन एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट करके देते हैं उनके टीम के लिए, और उसके बदौलत कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं उनके टीम के लिए. मगर हैदराबाद सनराइज़र्स की बात की जाए यहाँ पे तो लास्ट मैच में उनका बहुत ही बेहतरीन या अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. उन्होंने भले ही 3 मैचेस हार चुके हो, मगर लास्ट मैच जीत के कहीं ना कहीं वो टीम ज़रूर कॉन्फिडेंट रहेंगी, और उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत आज वो उस ग्राउंड पर ज़रूर उतरेगी. अगर पावर प्ले की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही मुंबई इंडियंस को हरा चुके हो, मगर उनका पावर प्ले में 39 ही स्कोर बना था, वहीं पे एक विकेट उनकी गिर चुकी थी. अगर हैदराबाद सनराइज़र्स की बात की जाए तो उनका पावर प्ले में स्कोर था 50, वहीं पे विकेट उनके हाथ में थे.
कहीं ना कहीं बेस्टो और वार्नर अच्छी पार्टनरशिप करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी हो सकती है। उसी के साथ उनके पास लास्ट मैच में आए थे केन विलियमसन जैसे होनहार बल्लेबाज, तो ये एक ज़रूर प्लस पॉइंट रहेगा हैदराबाद सनराइजर्स के लिए। केदार जाधव जैसे एक ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन ऑलराउंडर, वो भी टीम में इंक्लूड हुए हैं। भले वो लास्ट मैच में ना खेल पाए हों मगर वो ज़रूर उनका रोल निभाएंगे। अगर इन दोनों टीमों में से एक टीम पिक की जाए तो मैं ज़रूर दिल्ली कैपिटल्स को पिक करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी अब तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है।